सर मैं दशहरे के लिए गांव की तरफ जा रहा हूँ। सर इस दौरान मैं गांव की तरफ ही प्रैक्टिस करूँगा, तो सर इसके लिए मेरे पास बटरेस अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए कोई सोल्यूशन है? आप एक काम करिए, हम बटरेस तो बना सकते हैं लेकिन वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि बटरेस हमें बनाना है तो हमें जो फूस होता है, चावल की फूस होती है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है कि हम बटरेस को चावल की फूस की जगह पे हम बटरेस को फोम से बनाएं, पीयू फोम से। तो सर ये पीयू फोम होती क्या है और इसका खर्चा कितना आता है और मिलती कहाँ पे और बनाना कैसे है सर? इस पीयू फोम एक जनरली एक कॉमन मार्केट में मिल जाती और इसका खर्चा जो है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट फिर भी एक इसका खर्चा आता है, वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। ये इसको बनाना कैसा है ये इम्पोर्टेंट है, तो चलिए हम बनाने की प्रोसेस देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त डॉक्टर हेमंत वर्मा गुरु द्रोणा आर्चरी में लेके आया हूँ एक और वीडियो, एक और सॉल्यूशन जो आपके ज़रूर काम आएगा। दोस्तों हमारे कई सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे कई आर्चर्स हैं जिनके मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में से हम कुछ सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश हमेशा करते आए हैं। दोस्तों उसी का एक भाग लेकर मैं आया हूँ यहाँ पर मैं बताऊँगा कि आप अपने घर पर टारगेट बटरेस कैसे बनाएं, और वो भी खासतौर पर पीयू फोम का। तो पीयू फोम जो है ये सफ़ेद कलर की एक फोम होती है, और इसके बारे में मैं आपको सारे डिटेल दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको दूंगा शुरुआत से लेकर अंत तक के किस तरीके से आपको ये बनाना है, और मैं इसको एक नए तरीके से आपको वीडियो के रूप में प्रस्तुत करने वाला हूँ दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम चलेंगे मार्केट में और मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, और उस मार्केट में कहाँ पर ये मिलेगी और साथ ही साथ इसका प्राइस क्या होगा, साथ ही साथ इसको लगने वाली क्या क्या चीज़ें होंगी जो हमें मार्केट से खरीदनी पड़ेंगी, वो सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अंत तक इस वीडियो को देखें और बने रहें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आप लाइक करने में कंजूसी करते हैं लेकिन इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं रहेंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। तो चलिए चलते हैं फटाफट से मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे साथ। तो आप देख रहे हैं ये है टारगेट फेस, और हमें इस टारगेट फेस के साइज़ के हिसाब से ही हमको बनाना है। ये टारगेट फेस की जो लंबाई और चौड़ाई है ये है 80 सेंटीमीटर की, आप देख सकते हैं 80 सेंटीमीटर इस टारगेट की जो चौड़ाई है, और मैं इसकी हाइट भी देख लूँगा, ये भी यहाँ पर आ रही है 80 सेंटीमीटर की। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको ही इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको जो पीयू फोम है उसका सिलेक्शन करना है। तो हम अपना टेप साथ में लेके चलेंगे ताकि हम ये देख सकें कि वो वहाँ पर जो मेज़रमेंट है वो उस हिसाब से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में ये चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन यही होता है हमेशा कि मार्केट में कहाँ मिलेगी, इसका रेट क्या होगा, और इसके लिए कितना खर्चा आएगा, और ट्रांसपोर्टेशन में क्या लगेगा। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा मार्केट में खुद जाके कि इसके रेट्स क्या हैं, और साथ ही साथ इसे किस तरीके से बनाना है, तो साइज़ क्या लगेगा, ये सब डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा। इंडियन राउंड का टारगेट फेस जो है वो हम 80 सेंटीमीटर वाला यूज़ करेंगे, तो उस 80 सेंटीमीटर के टारगेट फेस के लिए ही हम यहाँ पर एक बटरेस बनाएंगे, क्योंकि वो हैंडी रहेगा, आप उसे कार की डिक्की में भी रख सकते हैं, आप उसके साथ ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, उसको लेके जा सकते हैं, और हल्का फुल्का होने की वजह से वो काफ़ी ड्यूरेबल है, साथ ही साथ वो एक तरीके का वाटरप्रूफ भी है, उसे ज़्यादा हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता। उसका एक डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज क्या है वो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको वीडियो के अंत में। तो चलिए चलते हैं मेरी स्कूटी से, देखते हैं मार्केट में क्या है और मार्केट से हमें वो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दोस्तों आ रहे हैं मार्केट में और लेके आएंगे हमारा सामान। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आपको उस हिसाब से, वीडियो के हिसाब से आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन वीडियो स्किप ना करें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। JES कॉलेज जालना में उसके कैंपस से बाहर, और अब हम जाएंगे सीधा मार्केट। यहाँ पर एक मार्केट है, उस मार्केट पर हम जाके ढूँढेंगे हमें जो जो चाहिए।
तो दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारे मेन मार्केट एरिया में और यहाँ पर मैं ढूंढूंगा कि मुझे कहाँ मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे जहाँ पर फोम या रेगजीन या फिर सीट कवर ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो हम चलते रहेंगे और देख लेंगे आगे। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं लगभग हमारे उस मार्केट एरिया में जहां पर हमें फॉर्म मिलेगा। ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है, ये फॉर्म यहां दिख रहे हैं और मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा राइट साइड की तरफ, तो यहां पर है ये एक हमारी शॉप है और यहां पे गद्दे बनते हैं पीयू के, तो चलेंगे हम देखेंगे यहाँ पर आके। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये है पीयू फॉर्म और यही फॉर्म हमें चाहिए और ये फॉर्म मैं यहाँ से अभी ले लूँगा और फिर देखते हैं इसका रेट क्या है। तो अभी मैं आया हूँ मार्केट में और दोस्तों अब हम ये जो शीट है ये शीट हमें चाहिए, लेकिन शीट हमें चाहिए 3x3 की, लेकिन ये शीट आपको मिलेगी पूरी पूरी की पूरी एक पूरी शीट। और चलो बात करते हैं मार्केट में इसका रेट क्या है और कितने की आपको मिल जाएगी। लोकल मार्केट में अलग अलग तरीके से रेट हो सकते हैं, आपको आपके क्षेत्र में कितने की मिलेगी ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरे यहाँ जालना में इतने की मिलेगी इतना अंदाज़ा मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलो देख लेंगे। हाँ भैया ये शीट चाहिए मुझे, ये शीट आएंगी 5x6 की शीट आएंगा पूरा 5x6 का, आपको 800 में आ जाएगा पूरा कम 800 में आ जाएगा। तो 800 में एक शीट में मेरे 3x3 के दो पीस निकल जाएंगे। आप मुझे कट करके दे देंगे? मिल जाएंगे, कटिंग करके दे देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको ज़्यादा कट करने के लिए भी टेंशन लेना नहीं है, आपको शीट लेना है सिर्फ, एक 800 रुपये का लगभग खर्चा आएगा, 800 हो सकता है 900 हो सकता है 700, इस रेंज में आपको शीट मिल जाएगी। और शीट का जो थिकनेस है क्या है ये 2 इंच का आएगा, 2 इंच का। इस शीट को क्या बोलते हैं? हेटलॉन। आप हेटलॉन शीट से इसको खरीद सकते हैं, इसके नाम से अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो पीयू शीट बोल के आता है इसको। चलिए आप मुझे एक शीट दे दीजिए। ओके। और इसको लगाने के लिए, इसको चिपकाने के लिए सॉल्यूशन क्या होता है? ये लिक्विड आता है ये सारा बोल के, वो मिल जाता है अपने पास। तो वो लिक्विड भी है वो मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले हम शीट ले लेंगे और शीट कटा। तो दोस्तों देख रहे हैं आप चाहें तो बड़ा टारगेट भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये शीट है, मुझे चाहिए 3x3 की, तो ये 3x3 यहाँ तक आ रहा है। मैं चाहूँ तो 4x4 का भी बना सकता हूँ, तो मैं क्यों ना इसे 4x4 का बनाएं या 3x3 का बनाएं, देखते हैं। 4, 5, 6, ओके। तो ये 6 फिट की है, तो हम क्या करेंगे इसे 3x3 के बना लेंगे दोस्तों। बना दो 3x3। हाँ 3x3 का कट कर दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा करना है उतना काटो। हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा भी करें ना चलेगा, पूरा सीट का भी यूज़ किया तो भी चलेगा। ठीक है, इसे मार्क कर लिया है और ये आप टेप की मदद से मार्क कर सकते हैं। यहाँ जो हमारा टारगेट है 3x3 का बनने वाला है, लेकिन चूंकि शीट हमारे पास थोड़ी ज़्यादा है तो मार्जिन हमने एक्स्ट्रा रख लिया है 3.5 का, और ये अच्छी बात है 3.5 का रखने का, क्योंकि इससे हमारा शीट का पूरा यूज़ हो जाएगा और साथ ही साथ हमको जो मटेरियल है उसका मैक्सिमम यूज़ करना ज़रूरी है, और जो टारगेट बटरेस है वो भी हमारा थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा जिससे कि फेस लगाने के बाद में थोड़ा मार्जिन रहेगा और एरो ड्रॉप कम होंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें ये इन्होंने कट कर दी है, अब हो गया कट। दोस्तों ये हमारी शीट पूरी तरीके से कट हो चुकी है और ये दो शीट आप मिक्स करके टारगेट हम बनाने वाले हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन ले लेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है। और ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा शीट है हमारे पास में बची हुई, इसका भी हम छोटा टारगेट बना सकते हैं, चाहें तो हम इसे कटवा भी सकते हैं। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसे भी हम कट कर लेंगे और इसको भी रीयूज़ कर लेंगे, इस तरीके से 3 प्लाई का हमारा एक बटरेस बन जाएगा। इसमें दोस्तों अभी बहुत कुछ बाकी है, वीडियो को आपको पूरा देखना है, अभी बहुत कुछ बाकी है जिसमें कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इसे बनाना है, तो बने रहिए मेरे साथ में। अब हम इसका जो सॉल्यूशन है वो ले लेंगे। तो ये सॉल्यूशन जो है ये मुझे 3 शीट को चिपकाना है, तो इसके लिए कितना सॉल्यूशन लगेगा? एक आधा लीटर लग जाएगा, 500 ग्राम। ठीक है चलो, तो दोस्तों आधा लीटर का एक डब्बा आप ले सकते हैं सॉल्यूशन का, कितने का पड़ेगा वो पूछ लेंगे उनसे, हो सकती है आप चाहें तो ब्रांडेड कंपनी का ले लें।
कंपनियों का लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और लोकल का लेंगे तो थोड़ा बहुत सस्ता होगा, लेकिन वो आपको उतना ड्यूरेबिलिटी नहीं दे पाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस ब्रांड का ले लें, पेफ सिंथेटिक रबर एडेसिव, और SR 505 नंबर होता है। ये नंबर का आप डिमांड करें तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों हमने अब सामान ले लिया है, हमारी शीट्स कट चुकी है, अब हम चलते हैं वापस बैक टू पवेलियन और वहाँ पे फिर दोबारा से जुड़ जाएंगे। तो अब हमारी शीट से तैयार हो चुकी है, ये शीट मैंने आगे गाड़ी पे लगा ली है, और ये हमारे आर्चर साथ में हैं और ये लेके चलेंगे शीट्स। ये है शॉप चालना की हरियाणा हैंडलूम। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आपको उस हिसाब से, वीडियो के हिसाब से आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन वीडियो स्किप ना करें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा।